join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अफगानिस्तान से आ रही है, वो ये कि 140 सिखों को तालिबान ने भारत आने से रोका है। जी हाँ, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से आ रही है, जहां 140 सिखों को काबुल एयरपोर्ट पर आने से रोका गया है। आपको बता दें कि भारत में ये 140 सिख तीर्थ यात्रा के इरादे से आ रहे थे, लेकिन तालिबान ने इनको काबुल एयरपोर्ट पर आने से पहले ही रोक दिया। क्या है पूरी डिटेल ये बताने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, क्या है पूरा मामला, क्यों रोका गया इन 140 सिखों को भारत आने से? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ट्यूसडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जबीउल्लाह मुजाहिद की, वो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं। उनकी ये सेकेंड पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी काबुल में, काबुल को एक तरह से काबुल में तालिबान के आने के बाद। और उनका जो बड़ा मैसेज था कि अगर कोई अफगानी है जो देश छोड़ रहा है, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। उनका बेसिक इंटेंट तो उन अफगानियों के लिए था जो नेटो के लिए काम करते थे, जो अमेरिकन फोर्सेस के लिए काम करते थे, और वो देश छोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं मार दिया जाएगा तालिबान द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस डर की वजह से बहुत सारे अफगानियों ने अपने देश को छोड़ा है। बहुत सारे अफगान भारत भी आए हैं, करीब 112 अफगान नेशनल्स को भारत इवैक्यूएट करके लाए हैं। इसमें ज़्यादातर लोग अफगान और हिंदू हैं, और दो एमपी भी हैं अफगान, जो पार्लियामेंट के एमपी सिख एमपीज हैं अनारकली होनरियार और नरेंद्र सिंह खालसा, उनको वीकेंड पे भारत लेकर आया। और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं तालिबान इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी कि कोई भी अफगानी देश छोड़ के ना जाए, और इसलिए कहीं ना कहीं इन अफगानियों को भी रोक दिया गया है, अफगान सिखों को भी। पर अफगान जो कम्युनिटी लीडर्स हैं यहाँ दिल्ली में, उनसे बातचीत करी और उन्होंने ये कहा कि ये लोग यहाँ पे इसलिए आना चाहते थे क्योंकि एक इवेंट था, एक पिलग्रिमेज था उनके लिए, इस संडे को वो इवेंट होने वाला था और इसलिए वो आना चाहते थे। और उनने गुजारिश की है कि कहीं ना कहीं तालिबान अपने जो पूरा उन्होंने रुख लिया है उसमें नरमी लाएं, पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 31 अगस्त से पहले काफ़ी गहमा गहमी होने वाली है। अमेरिकन फोर्सेज, नेटो फोर्सेज और इंटरनेशनल फोर्सेज चाहती हैं कि उनकी फोर्सेज देश छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वार्निंग मिली है तालिबान से। और टेरर अटैक काबुल एयरपोर्ट के पास होने का भी एक अंदेशा, एक एडवाइजरी यूएस एम्बेसी जो काबुल है उसमें उन्होंने जारी करी और कहा कि एक ऐसा अटैक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी अलार्म बेल्स हैं और कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि सिचुएशन और खराब ना हो जाए। बिल्कुल सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कुछ और अफगानिस्तान से जुड़ी खबरें जिन पर मैं आपसे डिटेल लूंगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये कि अफगानिस्तान को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज एक ऑल पार्टी मीट की, और इस सर्वदलीय बैठक में उन्होंने देश की जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी दल के नेता हैं, उनको अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे से रूबरू कराया, और साथ में भारत सरकार का जो इवैक्यूएशन का प्लान है, जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लौटाने का प्लान है, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद जब विदेश मंत्री प्रेस से मुखातिब हुए तो उन्होंने प्रेस को क्या कहा, वो साउंड बाइट भी हम आपको सुनाते हैं। काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं अभी इस सिचुएशन में, जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ। अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। चलिए, तो ये तो हमने विदेश मंत्री एस जयशंकर की साउंड बाइट आपको सुनाई जो ऑल पार्टी मीट के बाद उन्होंने प्रेस से मुखातिब होते हुए दी। लेकिन सिद्धांत सिब्बल मेरे साथ बने हुए, सिद्धांत जरा बताइए कि एग्जैक्टली क्रक्स क्या था इस सर्वदलीय बैठक का और आगे का इवैक्यूएशन प्लान। हमें कुछ कुछ तो खबरें लगातार मिलती जा रही है कि इतने भारतीय नागरिकों को या दूसरे नागरिकों को भी सुरक्षित वापस लाया जा रहा है, लेकिन आगे का इवैक्यूएशन प्लान क्या, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि 31 अगस्त तक काफी गहमा गहमी रहने वाली है। देखिए, पहले मैं ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में बता देता हूँ कि
अक्सर जो ऑल पार्टी मीटिंग्स हैं वो इंटरनल इश्यूज पे होती हैं, रेयरली कभी इंटरनेशनल इशू पे कभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई होगी, और आज वो ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रीफिंग दी। मीटिंग करीब 3.5 घंटे चली और इसमें करीब 30 से ज़्यादा पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स प्रेजेंट थे, सवाल जवाब हुए। भारत का बेसिक जो एक तरफ से आउटलाइन है, क्या फोकस रहेगा, वो एक तरफ से बताया गया एक प्रेजेंटेशन द्वारा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि मेजर चैलेंज भारत के लिए इवैक्यूएशन है और वही मेजर प्रायोरिटी भी है, और ऑलमोस्ट मेजर चंक जो इंडियन नेशनल्स हैं स्टक वहाँ पर, उनको वापस ला चुका है भारत। अभी भी कुछ भारतीय नेशनल हैं और उन्हें जल्द से जल्द भारत ले आएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत अफगान नेशनल्स जो आना चाहते हैं उनको भी कोशिश कर रहा है लाने की, जो वल्नरेबल अफगान नेशनल्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर इवैक्यूएशन की बात कर लें, ऑपरेशन देवी शक्ति, इसमें अभी तक 6 फ्लाइट्स सॉर्टीज कर चुकी हैं। एक फ्लाइट आज सुबह आई थी, उसके अंदर 11 नेपाली नेशनल थे और रेस्ट भारतीय नेशनल थे, और फोकस यही है कि कैसे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हो सके। मैं आपको बता दूं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि एक नंबर ऑफ क्लियरेंसेस चाहिए और भारत मिलिट्री प्लेन यूज़ कर रहा है तो वो पाकिस्तान एयर स्पेस नहीं यूज़ कर सकता, उसे इरानियन एयर स्पेस यूज़ करना होता है, और काबुल एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट है तो वहाँ पे आप प्लेन भी लैंड नहीं कर सकते ज़्यादा देर की तरह, वहाँ रख नहीं सकते आप वहाँ पर, तो इसलिए जो भारतीय प्लेन है वो ताजिकिस्तान के आइनी एयरबेस के में पार्कड रहते हैं, और जब भी क्लियरेंस का एक सिग्नल मिलता है तो प्लेन वहाँ से जाता है, तो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक डेंजरस प्रोसेस भी है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के आसपास जो हम देख रहे हैं हार्ट ब्रेकिंग विजुअल्स से पता चल रहा है कि एक तरफ से काफ़ी अब गहमागहमी होने वाली है अगले कुछ दिनों में। जी सिद्धांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अफगानिस्तान के ताज़ा हालात हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।